रंगरा पहुंचे छैला बिहारी ने कहा, अंगिका गीतों से अश्लीलता को हटाने के लिए वे मुहिम पर हैं। रंगरा पहुंचे अंगिका के लोक गायक सुनील छैला बिहारी ने कहा कि खासकर अंगिका गीतों से अश्लीलता को हटाने के लिए वे मुहिम पर हैं। उन्होंने कहा कि वे लगातार प्रयास करते हैं कि अंगिका क्षेत्र में एक से बढ़कर एक गायक और कलाकार सामने आए, जिससे अंगिका भाषा और समृद्ध हो सके। उन्होंने कहा, अंगिका में अभी बहुत काम होना बाकी है। वे लगातार अंगिका की आंचलिकता को अपने गीतों के माध्यम से उठा रहे हैं और उनका प्रयास रहता है कि अच्छे गीत लोगों के सामने आए। छैला बिहारी ने नए गायकों और गीत संगीत के क्षेत्र में करियर की चाह रखने वाले युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि काम के प्रति ईमानदारी और निरंतरता हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। छैला बिहारी ने अपने आने वाले होली गीतों की भी चर्चा की। लोक गायक छैला बिहारी रंगरा के एक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचे थे। खबर 30 सेकंड के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। वाणी विवाह भवन 0 Mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। 15 दिनों से लापता विकास का नहीं मिला कोई सुराग, परिजनों ने SP से की शिकायत। 15 दिनों से लापता रंगरा के मंदरौनी निवासी विकास कुमार का कोई अता पता नहीं चल पाया है, तो दूसरी तरफ अब तक पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से विकास के परिजन असंतुष्ट हैं। परिजनों ने कहा कि शक के आधार पर पुलिस ने कोसी नदी के तटवर्ती इलाकों में विकास की बरामदगी के लिए खोजबीन भी की, लेकिन सम्यक रूप से खोजबीन नहीं की गई है। परिजनों ने मामले की शिकायत नवगछिया के SP सुशांत कुमार सरोज से की है। मामले में यह बात सामने आई है कि विकास के मोबाइल का अंतिम लोकेशन कोसी नदी स्थित मंदरौनी गांव के शिव मंदिर के पास मिला है। इसी बात से परिजनों को आशंका है कि कहीं विकास की हत्या कर उसे कोसी नदी में फेंक तो नहीं दिया गया। दूसरी तरफ 7 मार्च को देर शाम गाँव के लोगों ने विकास को राष्ट्रीय राजमार्ग मंदरौनी चौक पर देखा था। एक तरफ विकास का चौक पर अंतिम बार देखा जाना और दूसरी तरफ शिव मंदिर के पास मोबाइल का अंतिम लोकेशन मिलना निश्चित रूप से किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा है। पुलिस ने मामले में सघन छानबीन शुरू कर दिए जाने का दावा किया है। नवगछिया के SP सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि मामले की प्राथमिकी पूर्व में ही दर्ज कर ली गई है। पुलिस मोबाइल लोकेशन पर काम कर रही है और विकास के कुछ मित्रों से भी पूछताछ की गई है। पुलिस विकास को सकुशल बरामद करने का प्रयास कर रही है। भवानीपुर गांव के एक घर में चोरों ने की सेंधमारी, कई सामानों की कर ली चोरी। रंगरा के भवानीपुर गांव में ब्रज किशोर झा उर्फ कन्हैया झा के घर पर रविवार को देर रात अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर कई तरह के सामानों की चोरी कर ली है। गृह स्वामी ब्रज किशोर झा उर्फ कन्हैया झा ने घटना की सूचना रंगरा OP थाने में लिखित रूप से दी है। गृह स्वामी ब्रज किशोर झा उर्फ कन्हैया झा ने कहा कि रविवार और सोमवार की दरमियानी रात को वे और उनकी पत्नी दूसरे कमरे में सो रहे थे। लगभग 3 बजे रात को जब वे जगे तो देखा कि दूसरे कमरे के एक दीवार में बहुत बड़ा होल है और नीचे काफी सामान बिखरा पड़ा है। जब चेक किया तो देखा कि उनके घर से एक मोटर, एक रसोई गैस सिलेंडर, कुछ फर्नीचर, एक खंती और कुछ बाट गायब है। गृह स्वामी ने कहा, वे लोग दूसरे कमरे में थे, इसलिए चोरी की घटना के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं चल पाया। इधर रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। सरकारी जमीन पर मवेशी बांधने के लिए खुट्टा गाड़ने पर मारपीट, एक घायल। रंगरा OP थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव में सरकारी जमीन पर मवेशी बांधने के लिए खुट्टा गाड़ने को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में विकास यादव नाम का एक व्यक्ति घायल हो गया है। विकास का इलाज रंगरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करवाया गया है।
घटना की बाबत विकास ने रंगरा थाने में शिकायत करते हुए मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई है। विकास का कहना है कि सरकारी जमीन पर उसने मवेशी बांधने के लिए खुट्टा गाड़ा था। उसके पड़ोसियों ने पहले खुट्टा को उखाड़ कर फेंक दिया। जब उसने इसका विरोध किया तो उसके पड़ोसियों विक्की यादव और चंचल यादव समेत उसके परिवार के सभी सदस्यों ने उसके साथ मारपीट की। रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है।